फ्यूचर ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी को शुरू से लेकर इस मुकाम तक पहुंचाने वाला एक नाम किशोर बियानी, जिनका ये सफर आसान नहीं था बल्कि एक साड़ी की छोटी सी दुकान के साथ शुरू किया गया था, जिसके लिए उन्होंने अपने दादाजी के साथ राजस्थान से मुंबई की तरफ रुख किया था। साड़ियों की दुकान के साथ साथ किशोर बियानी ने एक पतलून की दुकान भी खोली और उसमें ट्राउजर्स बनाना शुरू किया। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी तो फिर बियानी ने शेयर बाजार का रुख किया। वहां से कुछ पैसा कमाने के बाद गोवा में पैंटालून्स का पहला शोरूम खोला और फिर साल 1992 में पैंटालून्स को बड़े ब्रांड के रूप में खड़ा किया। फिर इस बिजनेस को नए आयाम दिए और फ्यूचर ग्रुप बनाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद साल 2001 में नींव रखी बिग बाजार की। फिर इस ग्रुप के साथ फूड बाजार, फैशन एट बिग बाजार, फैक्ट्री, होम टाउन, सेंट्रल और ईजोन जैसे कई ब्रांड्स भी जुड़ गए और फिर किशोर बियानी का नाम बड़े उद्योगपतियों में शुमार हो गया। लेकिन अब फ्यूचर ग्रुप्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर्स पर करीब 11,970 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और ग्रुप के मालिक अब इस कर्ज को निपटाने के लिए अपने इंश्योरेंस कारोबार की हिस्सेदारी को बेचना चाहते हैं। और इसी के लिए 2007 में कारोबार शुरू करने वाली फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ग्रुप की करीब 50% हिस्सेदारी है, जिसको किशोर बियानी बेचना चाहते हैं। बियानी को उम्मीद है कि इस संभावित बिक्री से फ्यूचर ग्रुप को 30 से 35 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे और क्योंकि फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस देश में 12 से 13 साल से कारोबार कर रही है तो इसकी पहचान मजबूत हो चुकी है, जिससे अभी खरीदार मिलने में से कोई परेशानी नहीं होगी और देश की कई नामी गिरामी कंपनियां फ्यूचर ग्रुप्स के ये शेयर खरीदने के लिए लाइन में भी लगी हुई हैं। शुरुआती दौर में जिन कंपनियों से बातचीत शुरू हुई है उनमें ट्रू नॉर्थ, हीरो फिनकॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निवेशक शामिल हैं। जिस कंपनी के शेयर्स खरीदने को लेकर इतनी नामी कंपनियां लाइन में लगी हैं, उस कंपनी के मालिक किशोर बियानी के निजी जीवन की बात करें तो भले ही अभी उनकी कंपनी पर कर्ज हो गया हो, लेकिन उन्होंने खुद को यहां तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिवार का कपड़े का बिजनेस होने के बाद भी उन्होंने रिटेल मार्केट में जाने का सपना देखा और फिर इस मार्केट में अपनी अच्छी पहचान भी बनाई और अपना इतना बड़ा एम्पायर बनाकर खड़ा कर दिया।